प्रथम तहलका न्यूज। गर्मी का मौसम हो और लीची की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब भी लीची की बात आती है तो देहरादून की लीची का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर जाता है। लेकिन आज हम आपको यमुनानगर की लीची की खासियतें दिखाएंगे, जिसके आगे देहरादून की लीची भी इन दिनों फीकी पड़ती है। हुड्डा सेक्टर 18 के नजदीक लीची का एक ऐसा बाग है जो इन दिनों लोगों की पसंद बना है। यमुनानगर के आसपास के जिले के लोग भी इस लीची के दीवाने हैं। 15 एकड़ के इस बाग की लीचियों की मिठास लोगों को काफी लुभा रही है। बाहर से लीची का लाल रंग और अंदर के मिठास के क्या ही कहने। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें गुठली ना के बराबर है। एक बार जो इस लीची को खा ले तो फिर बार बार चखने को मजबूर हो ही जाता है। यहाँ इस लीची की विशेषता यह है कि यहाँ पे केवल जिला यमुनानगर से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे इस लीची की तारीफ हरियाणा के अन्य जिलों में फैल रही है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बीज छोटा होता है और यह बहुत ही लजीज और बहुत ही मीठी होती है। इसको जो एक बार खा लेता है उसका स्वाद हमेशा इसकी जुबान पर रहता है और इंतज़ार करता है कि कब सीजन आएगा और कब हम इस बाग में जाके इस लीची का आनंद लेंगे। इस लीची के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कीड़े वाली। इसमें जो है ना बिल्कुल बिल्कुल नीट, बिल्कुल साफ सुथरी लीची है ये, और इसलिए ही इसकी पसंद की जा रही है। यहाँ पर इस लीची को जब कोई छीलता है तो उसमें आज तक कोई ऐसी शिकायत ही नहीं आई। हम कितने साल से यहाँ की लीची खा रहे हैं और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन लीची है यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा लीची है और बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट लीची है। इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती क्योंकि ये बेमिसाल लीची है। यमुनानगर की ये लीची इन दिनों विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रही है। लीची के इस बाग के रखरखाव के लिए कई लोगों की टीम मेहनत करती है। खास बात तो यह है कि इसे ठेकेदार को किसी भी मंडी में भेजने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही खरीदने के लिए चले आते हैं। इस लीची में किसी भी तरह का कीड़ा नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को यहाँ से तरोताज़ा लीची भी मिल जाती है। नहीं, हमारी लीची जब जल जाती है तो ये देहरादून वाली सब भूल जाते हैं लोग बाग। हमारा फार्म जो है मशहूर है ये होंडा फार्म के नाम से। इसकी लीची अलग ही है, यहाँ की लीची अलग ही रखती है। पूरे यमुनानगर जगाधरी में इलाकों से लोग यहाँ तक लेने आते हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग लेने आते हैं। अभी दिख रहा था कि लाइनों में लग के आपकी लीची बिक रही है। जी ऐसे ही बिकती है यहाँ, हर साल लीची ऐसे ही बिकती है यहाँ से। कैसे कैसे बिकती है ये? एक दो दो किलो, पच पच किलो में बड़े लोग आते हैं, सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। हमारे पे पूर्ति नहीं होती है यहाँ के लोगों की। अगर डेली की बात की जाए तो दिन में कितनी किलो लीची यहाँ पे बेच देते हैं? जी 10 क्विंटल के करीब दिन में। खासियत क्या है आपकी लीची? हमारी लीची एक ना बीज बरीक होता है इसका, और खाने में इसका अलग ही एक टेस्ट है और लोगों की लीची से। नहीं नहीं, कीड़ा तो उसमें हम स्प्रे करते हैं ना, बड़े महंगे महंगे स्प्रे होते हैं वो, उसके कीड़े को भगाने के लिए वो करते रहते हैं। जो नहीं करते उनके कीड़ा पड़ जाता है। वैसे भी आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हैं, इसलिए मौसमी फलों का सेवन भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं। उस पर भी फल अगर पेड़ से तोड़े हुए तरोताजा मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से अंशु अरोरा की रिपोर्ट।